हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीम्स इजी कुकिंग रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल लेकिन हाइजीनिक और हेल्दी तरीके से। इसे आप फ्रिज भी कर सकते हैं, जब भी घर में कोई मेहमान आए तो आप उन्हें भी ये सर्व कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी आप रख सकते हैं। बच्चों को ये स्प्रिंग रोल बहुत ही पसंद आते हैं, तो फिर चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल के लिए रैपर बना लेंगे। ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन आज हम इसे घर में बनाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में हम लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक और थोड़ा सा तेल। इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इंग्रेडिएंट्स का डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। चपाती के लिए हम जैसा आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि आटा जो है वो हमारी सूख ना जाए। अभी हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आटा जब तक हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। कुछ सेकेंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जियाँ, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। सब्जियाँ आप अपनी मनपसंद कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को हम हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। नमक डाल देंगे ताकि सब्जियाँ जो है वो जल्दी से पक जाए। तो सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। आटे को हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर से एक बार मसल लेंगे। अभी हम इस आटे से छोटे छोटे लोइयां तैयार करेंगे। एक एक लोई लेंगे और उससे हम गोल करके इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। तो सारे लोइयों को मैंने गोल करके उसका पेड़ा बना लिया है। अभी इनमें से हम एक लेंगे और बाकियों को ढक के रख देंगे। इसे अब हम बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और इसे हम पूरी के शेप में बेलेंगे। ये हमने पूरी जैसा इसे बेलकर तैयार कर लिया। अभी हम इसे निकालकर एक प्लेट में रख देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी पूरी बेलकर तैयार करेंगे। तो ये मैंने दूसरी पूरी भी बेलकर तैयार कर ली है। अभी हम इसके ऊपर तेल लगाकर चारों ओर फैलाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे। अभी हम पहले पूरी को इसके ऊपर रख देंगे और इसे हाथों से दबा दबा कर इस तरह से चिपका देंगे। अभी इसे हम फिर से बेलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और इसे हम जितना पतला हो सके उतना बेल लेंगे। अभी हम इसे सिकने के लिए एक पैन में डालेंगे। ध्यान रहे पैन एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। पूरी को हम नीचे की तरफ से हल्का सिकने देंगे और जैसे ही ये नीचे की तरफ से हल्का सिक जाए, इसे हम पलट देंगे और दूसरे तरफ भी हम इसे हल्का सिक लेंगे। तो पूरी हमारी दोनों साइड से सिक चुकी है। अभी हम इसे निकाल लेंगे और दोनों रैपर्स को हम अलग कर देंगे।
और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी रैपर्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हम स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए मैदे का एक घोल तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा मैदा और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट मैंने बना लिया है और हमारा रैपर भी रेडी हो चुका है और फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अभी हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो एक शीट लेंगे और उसमें 2 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। और इसे इस तरह से उठाकर टाइटली फोल्ड करेंगे। किनारों में हम मैदे का पेस्ट लगा देंगे। और इसे अच्छे से टाइटली फोल्ड कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। और इसी तरह से हम बाकी रोल्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे रोल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे इस स्टेज में एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको स्प्रिंग रोल खाने का मन करे तो फ्रिज से इसे निकाल के 1 घंटे के लिए रख दे, उसके बाद आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है। मैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें हम एक एक करके स्प्रिंग रोल्स डाल देंगे। एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे, छोटे छोटे बैचेस में हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और रोल्स को हम नीचे की तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये स्प्रिंग रोल अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसे निकालेंगे और बाकी रोल्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी मजेदार स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एक बार फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।